पानी यहाँ पर भर गया। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जयपुर से नाले में एक व्यक्ति का शव मिला है। पानी के तेज बहाव में बहकर यह शव आया। बड़ी अपडेट इस वक्त की, थो नागोरियन इलाके में बहकर यह शव आया है। हमारे संवाददाता ने भी लगातार जिस प्रकार से सूचना दी थी कि पुलिस शव की शिनाख्त फिलहाल कर रही है। नाले में एक व्यक्ति का शव मिला, पानी के तेज बहाव में बहकर यह शव आया और शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शिनाख्त के भरपूर प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। खो नागोरियन इलाके में बहकर यह शव आया पानी के तेज बहाव में। पुलिस फिलहाल लगातार प्रयास कर रही है शिनाख्त की जाए शव की। पूरी राजधानी कहीं थम सी गई है और क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, ऐसे में आफत पैदा हो चुकी है। पानी के तेज बहाव में शव अब बहकर आया है खो नागोरियन इलाके से खबर, जहां ये शव बहकर आया है। पुलिस लगातार प्रयासरत है कि शिनाख्त कर ली जाए शव की। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा शव की शिनाख्त के। नाले में एक व्यक्ति का शव मिला, पानी के तेज बहाव में बहकर ये शव आया। लगातार राजधानी से तस्वीरें भी सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। अब हालात बिगड़ते हुए, अब हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह से खबर, कहीं दीवारें ढहने की खबर आ रही है, मकान गिरने की खबर आ रही है। हाईकोर्ट में फॉल सीलिंग गिरी है, वहां पर गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई और साथ ही कोई वहां पर मौजूद नहीं था। इसी के चलते कहीं ना कहीं हादसा बड़ा टल गया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, अब कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? लगातार बारिश हो रही है और एक शव भी बहकर आया, पुलिस शिनाख्त के प्रयास लगातार करती हुई। बिल्कुल, एक शव है जो ब्रह्मपुरी, जो माफ कीजिएगा, जो खो नागोरियन इलाका पड़ता है, यहाँ पर अचानक जब पानी का तेज बहाव आया मनीषा, तो अचानक से उस पानी में बहते हुए एक नाले के अंदर एक शव बहता हुआ आया। पहले तो लोगों को लगा कि कोई सामान है, मगर जैसे ही उसका शरीर दिखा तो ये निश्चित तौर पर तय हो गया कि उस युवक की मौत हो चुकी है। उसके बाद जो आसपास के जो लोग थे, जब वो उससे जो बहते हुए जो पानी था उसके अंदर से उस शव को निकाला, लेकिन जब उसके चेक को, उसके पॉकेट को चेक किया तो उसके अंदर से एक एटीएम मिला है और उसकी जो पहचान है, जो उस एटीएम के आधार पर अगर लगाई जाए तो अनिल कुमार के रूप में हुई है। तो मगर हालांकि पूर्ण कहां था या अनिल कुमार है, कहां रहता था, इन सब चीजों को लेकर के पुलिस है जो बाद में पड़ताल करेगी। लेकिन आफत की बारिश के बीच में मनीषा ये तय नहीं हो पा रहा है किसी भी, चाहे एसडीआरएफ के जवानों, चाहे एनडीआरएफ के जवानों या तमाम जो पुलिसकर्मियों को, ये कुछ भी समझ से परे है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगह जगह पानी भर चुका है। और जब ये पानी का जो बहाव है जो कम होगा मनीषा, उसके बाद पता चलेगा कि पानी के अंदर कितने लोग डूबे हुए हैं या बिल्कुल आए हुए हैं। तो आफत की बारिश है, इसने पूरे जनजीवन को, राजधानी जयपुर शहर के अंदर पूरी व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। मगर एक बड़ी खबर यहाँ पर ये आई है मनीषा की, महेश नगर इलाके के अंदर बीसलपुर की पाइपलाइन है वो फट गई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जो बीसलपुर की जो पाइपलाइन थी वो फट गई है, क्योंकि क्योंकि पाइपलाइन जो थी वो ऊपर की तरफ ही थी और जो पानी का जो बहाव था, जो मिट्टी का जो कटाव था, वो वहां से हटा और अचानक से जो पाइपलाइन का जो लीकेज था वो फट गया और जिसके चलते पूरी पाइपलाइन है वो फट गई है। लाल जवान यहाँ पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं, सिविल डिफेंस की टीमें लगातार पूरे आफत की बारिश के बीच में मैदान में उतरी हुई है, लगातार वो रेस्क्यू चला रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं या जिन लोगों के मकान, जो लोग मकानों के अंदर दबे हुए हैं या जहां ऐसा लग रहा है कि मकान गिर सकता है, उन तमाम लोगों को वहां से निकालने का रेस्क्यू है वो यहां पर एसडीआरएफ की ओर से और सिविल डिफेंस की टीम की ओर से किया जा रहा है। लगातार राहत यहाँ पर कार्य में जुटे हुए हैं तमाम जो लोग, पुलिस के लोग भी इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एसडीआरएफ जो कमांडेंट है अमृता धुवन, उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की और उन्होंने 5 टीमों को तैनात किया है, जिसमें जो एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल उनको यहाँ पर बोटिंग एंड बिल्डिंग का यहाँ पर काम सौंपा है। जलमहल में भी जो टीमें तैनात कर दी है, जिसका रेस्क्यू है जो मोहित चौधरी को बनाया गया है। इसके अलावा एडिशनल एसपी मुकुंद बिहारी है। बिल्कुल यादवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। बारिश का दौर क्योंकि जारी है, पुलिस अब फिलहाल जो शव बहकर आया उसकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है, शिनाख्त हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि लगातार बाढ़ जैसे हालात अभी राजधानी में बने हुए हैं। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा